दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन महान कार्यों और घटनाओं से भरा रहा था। उन्होंने अपने बचपन के केवल 16 वर्ष ब्रज में बिताए थे और उसके बाद ब्रज को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। इन 16 वर्षों में उन्होंने कुछ राक्षसों को मारने के अलावा कोई बड़ा कार्य नहीं किया था, लेकिन अपने सहज स्नेह से सभी ब्रजवासियों का हृदय इस प्रकार जीत लिया था कि आज भी ब्रजवासी उनको याद करते हैं। बहुत से लोग कृष्ण पर गोपियों के साथ छेड़छाड़ करने और अन्य अनुचित आरोप लगाते हैं। ये आरोप पूरी तरह से असत्य है। कोई चोर, लंपट या लड़कियों को छेड़ने वाला व्यक्ति उनका प्रेम नहीं जीत सकता। गोपियां उनकी बाल सुलभ कीड़ाओं और बंसी बजाने के कारण उनसे प्रेम करती थी। वे सभी विवाहित महिलाएं थी और उनका प्रेम निश्चल था। वैसा ही भगवान कृष्ण का भी था। द्वारिका जाने के बाद जब उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास पहुंचे तो उनके प्रेम को देखकर वे दंग रह गए। गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव जी महाराज, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए आपका ज्ञानी ध्यानी प्राकर्मी कृष्ण, हमें तो अपना वही नटखट गाय चराने वाला, माखन चुराने वाला, बंसी बजाने वाला, मन को मोहने वाला कृष्ण चाहिए। प्रेम की यह पराकाष्ठा देखकर उद्धव जी अपना सारा ज्ञान भूल गए थे। जहाँ तक कृष्ण और राधा के प्रेम की बात है तो पूरे महाभारत में एक बार भी श्री राधा रानी का नाम नहीं आया है। हालांकि उसमें किसी अन्य गोपी का भी नाम नहीं है। ब्रज को छोड़ते समय कृष्ण अपनी प्रिय वंशी राधा रानी को अपनी निशानी के रूप में दे गए थे। उसके बाद उन्होंने जीवन भर कभी भी बंसी नहीं बजाई। यह त्याग और निश्चल प्रेम की पराकाष्ठा नहीं तो क्या है? ऐसे पवित्र संबंध को कलंकित करना अनुचित ही नहीं, घोर पाप है। दोस्तों, ब्रज छोड़ने के बाद जीवन भर भगवान श्री कृष्ण एक बार भी ब्रज में नहीं गए। न कभी नंद बाबा से मिले, न ही अपनी माँ यशोदा मैया से, न गोप बालकों से मिले, न गोपियों से, लेकिन एक क्षण को भी वे ब्रज को भूल नहीं पाए। ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी भी इस बात को समझते थे। ब्रजवासी भी भगवान कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखते हैं। कभी वापस ब्रज ना लौटने का उलाहना वे भगवान श्री कृष्ण को आज भी देते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को छलिया, ठग, नटवर, निर्मोही, घमंडी जैसे कई नाम दिए, लेकिन उनको प्रेम करना बंद नहीं किया। कृष्ण और श्री राधा रानी के बहाने उन्होंने अपनी प्रेम भावनाएं व्यक्त की है। प्रेम की भावनाएं मनुष्य में स्वाभाविक है। अन्य समाजों में इनको व्यक्त करने के अन्य तरीके हैं। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, श्री फरहाद, हीर रांझा जैसी अनेक प्रेम कहानियां संसार में प्रचलित हैं, लेकिन भारत में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से प्रेम की भावनाएं प्रकट की जाती है। इसमें धर्म और अध्यात्म का भी अंश होने के कारण लौकिक प्रेम सीमा के भीतर ही रहता है और विकृत रूप लेने से बच जाता है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कितना महान था, इसका एक प्रमाण महाभारत में मिलता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के समय भगवान श्री कृष्ण के सगे फुफेरे भाई शिशुपाल ने कृष्ण की निंदा में तमाम तरह की बातें कही, लेकिन लंपटता का आरोप तो उसने भी नहीं लगाया। इसके विपरीत उसने कृष्ण को नपुंसक कहा। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में चरित्रवान और जितेंद्रिय थे, क्योंकि प्रायः ऐसे लोगों को ही नपुंसक कहकर गाली दी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने केवल एक विवाह किया था, वह भी रुक्मिणी के साथ। उनकी सहमति से कृष्ण ने उनका हरण किया और फिर विधिवत विवाह किया था। बहुत बाद में उनको सामाजिक दबाव से बाध्य होकर सत्राजित की पुत्री सत्यभामा और जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ भी विवाह करना पड़ा था। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।